हार्ट अटैक आ गया तो दिल आ गया और फिर आपके इसी तरह से एक बॉलीवुड पे सेशन है, बॉलीवुड ने क्या तमाशा कर रखा है, किस तरह से पूरे भारत के भविष्य को बिगाड़ने में लगा हुआ है। भारत एक चौराहे का मतलब ये है कि भारत के पास इस समय एक चॉइस है कि भारत जो है अब यहाँ से महानता की तरफ जा सकता है या फिर नीचे भी खिसक सकता है। तो ये जो चौराहा है ये कई देशों के जो इतिहास है उसमें आया है, उसमें देशों ने सही दिशा पकड़ी है, सही मार्ग चुना है तो वो महानता की ओर गए हैं। तो भारत के पास ये अवसर है कि भारत किस तरफ जाए, ये है इसका। क्योंकि एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है गजानन माधव मुक्ति बोध की, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए। अब आपको उन्हीं चौराहों के एक मार्ग चुनना है। इसी तरह से दूसरे दिन भी काफ़ी अच्छे, ये इसमें एक और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर सेशन है जिसमें डॉक्टर एस पी वैद जो एक्स डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी आएंगे। फिर अगले दिन आप लोगों का प्रिय विषय इलेक्शन से संबंधित वो भी होगा, उसमें शहजाद पूनावाला और कुछ अन्य जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो होंगे, बाबू चोसेकर, ओंकार चौधरी, हर्षवर्धन त्रिपाठी इत्यादि। फिर हमारे मिलिट्री के ऊपर एक सेशन होगा, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल लता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर और कर्नल आर एस एन सिंह, सुना होगा उनको आपने। और उसके बाद भारत के संविधान के ऊपर एक सेशन होगा, उसमें कपिल मिश्रा भी होंगे। और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इस समय जो आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जो मचा हुआ है, उसमें सुशांत सरीन, अभिजीत अय्यर मित्रा इत्यादि विभूति झा अमेरिका से आ रहे हैं। तो ये मोटा मोटा आपको बता दिया, लगभग 60 से अधिक इसमें जो है आपको आपका है पूरे। भारतीय आर्मी जो आज की जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें भारतीय आर्मी जो है, भारतीय मिलिट्री, नॉट आर्मी, मिलिट्री जो है, भारतीय सेना जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब कुछ सम्मिलित है, तो वो अपने आप को किस प्रकार से परिवर्तित कर रही है, किस प्रकार से जो नए आयाम हैं वॉरफेयर के, युद्ध के, उनको किस प्रकार से वो समाहित कर रही है, इन मुद्दों पर बातचीत होगी। ठीक है।